हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो मैं आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 6 बजे। दिन में इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है दिल्ली में, तो ऐसे लग रहा है कि हर जगह लावा ही फट रहे हैं, तो इतनी बुरी हालत हो रखी है। तो अभी हमने काम स्टार्ट किया है 6 बजे, व्लॉग भी अभी स्टार्ट किया है। रही बात घर के काम की, तो सुबह सिर्फ झाड़ू किया था, उसके बाद इतनी धूप हो गई थी। बाहर का काम तो मतलब इस एरिया का काम तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ, सूरज ना बिल्कुल सर पर आ जाता है। सो आज का ऐसा है कि व्लॉग 6 बजे हो रहा है शुरू, जो भी आपको दिखा पाऊँगी वो दिखाऊँगी। और ये रही अनायशा, जो कि 2 दिन से ऐसे लूज़ मोशन लग गए थे गर्मी की वजह से, मतलब लू लग गई थी इसको, तो आज थोड़ा सा ठीक हुई है तो मस्ती कर रही है। बट इसको मैंने अभी बाहर जाने से, मतलब घर के बाहर गेट के बाहर खेलने से मना किया है। तो ये मेरा बच्चा अभी ठीक हो गया है। आज हम दोनों रेड रेड बन गए ना अनायशा, सेम सेम। तो अब गाइस, मैंने अभी झाड़ू सुबह भी लगाया था, बट अब दोबारा लगा रही हूँ, क्योंकि दिन में बस झाड़ू लगाने के बाद नहा धो के बस हम एसी में बैठ गए थे पूरा दिन। तो अब बस सॉरी झाड़ू पोछा करूँगी, यहाँ पे क्लीन करूँगी, क्योंकि अब धूप चली गई है। तो वाओ बर्ड्स, तो धूप चली गई है तो अब थोड़ा सा क्लीन अच्छे से करती हूँ इसको। अनायशा ये बॉटल उठाओ, और अनायशा को डॉक्टर ने बार बार बोला है कि पानी पीते रहना है, डिहाइड्रेट नहीं होना है। तो ये अपनी बॉटल अपने पास रखती है और एक गुड गर्ल जल्दी जल्दी पानी फिनिश कर देती है ना। और ये देखो कपड़ों का ढेर, ये इतना हो गया, कपड़े धुल जाते हैं, उठा लेती हूँ धूप से और रख देती हूँ, और तह करने का बिल्कुल नहीं है। आज सोच रही हूँ अगर टाइम होगा रात को, क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि रात को जल्दी सोना है या कुछ है, तो फिर मैं इनको बैठ के आराम से रात को फोल्ड करूँगी। और इस इन डब्बों की वजह से ना, जो डब्बे रखे हुए हैं इनकी वजह से इस कमरे में इतनी गर्मी, इस कमरे में तो आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और ये है हमारा प्यारा सा आर्य सिंह राणा, क्यूटी पाई है ना, क्यूटी पाई। आपकी नहीं है, आपकी है, आपकी है। ये देखो मैं दिखाती हूँ आपकी, भागो 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 भागो। ये देखो मैंने इस वॉल पे भी कुछ पिक्चर्स लगाई हैं, वैसे ही पड़े पड़े टूट गई थी मेरी ना, तो मैंने कहा यहाँ लगाती हूँ। ये है अनायशा, अनायशा की मम्मा, ये अनायशा के पापा मम्मा, ये भैया। क्या देखना है बेटू, बड़ी फोटो लगानी है अनायशा की, भी हम बड़ी फोटो बनवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पे तो नीचे लगाएंगे, नीचे न्यू वाले रूम में, ओके। चलो अब मैं काम कर लेती हूँ, हाँ हाँ मैं काम कर लूँ थोड़ा सा, ओके। फ्रेंड्स देखो, एक तो अनायशा की तबीयत ठीक नहीं है, और फिर मुझे कह रही मम्मा मुझे आपकी हेल्प करनी है, तो यहाँ पे ये कर रही है क्लीनिंग। क्या कर रहे हो, ये सब कुछ उल्टा पुल्टा करेगी, यहाँ पे ये क्लीनिंग कर रही है, यहाँ पे इसने कुछ और सफाया कर दिया। ये मैंने जो कसूरी मेथी होती है ना, इसको थोड़ा सा मैंने मतलब सेका था कि थोड़ी करारी सी हो जाए, परांठे बनाए थे, और बाकी कुछ फ्राई पैन में रह गई थी, और इसमें रखा था पानी। तो इस दीदी ने ये देखो सारा इसमें पानी डाल दिया, ऐसी हालत करी है। और सो अब मैं यहाँ धो रही हूँ बर्तन, यहाँ मैं पहले बर्तन धोऊंगी फिर मैं बनाऊँगी खाना। तो व्हाट्स अप गाइस, तो अभी मैं अपनी PPT बना रहा हूँ। पता नहीं छुट्टी देते कि मतलब इतने मतलब इतना ज़्यादा होल्डिंग देते हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है। तो अभी अभी तो मैं चार्ज रिफिट कर रहा हूँ, लंबा चार्जर पड़ेगा ऐसे के बिन, तो भाई एक सेकंड में नहीं रह सकते, तो इसको तो ऑन कर लेते हैं। पंखा भी ऑन, लाइट ऑन है, जल्दी रहती तो हम करेंगे काम। चलो अभी तो लाउ खा दिया, अभी मम्मा मेरे लिए नींबू पानी बना रही है, क्योंकि मैं बहुत प्यासा का हूँ। तो गाइस मम्मा एंग्री चुकी है, मुझे बहुत मार रही है। गाइस देखो नींद तो खा चुका है, बचाओ गाइस। मम्मा नींबू पानी का बनाओगे, ये बर्तन करूंगी उसके बाद, मतलब तेल गर्म हो गया, गैस सिम कर दे। अभी कह दोगे तेल पास रख जाओ, कह रहे गैस सिम कर दे। अरे सिम कर दे ना, कर दिया। मैं बस अभी किचन साफ करके फिर बनाऊंगी। अरे यार जल्दी आना, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। इंटरेस्टिंग चीज़ लाऊंगा, जब कोरोना टाइम पे क्या हुआ था, हमको PPT मतलब हमारा ज़्यादातर होमवर्क PPT था कि ये करो ये करो। हम मैं PPT में अब उस टाइम इतना एक्सपर्ट हो गया था, मतलब अभी भी हूँ, मतलब उस टाइम बहुत ज़्यादा हो मतलब अचानक से मैं इलेक्ट्रॉनिक में बहुत इंटरेस्ट लेने लग गया था, एंड देट वॉज द पॉइंट, मतलब लोड हो चुका है। तो क्या लगा, क्या लगा दीदी बताओ ना, यहाँ यहाँ आओ, क्या लगा। अभी ना दीदी तो महात्मा को क्या कहा, ममता ये तो महात्मा गांधी लिखा हुआ था इसने, तो मैं
ऐसे देखा तो मेरे को लगा कि मम तो मानते मुझे देखो पसीने ये पसीने सच में उसमें 50% पानी है 50% अभी यार दिल्ली में कहाँ फंस गया के अरे बहुत गर्मी है मम्मा हिमाचल भी जाना है उसका भी ब्लॉग आएगा गाइस जब मेरा हॉलिडे खत्म होगा तो चलते हैं किस चीज़ का ब्लॉग बना रहा था पता ही नहीं पता जब भी सैलरी आएगी तेरे को उसमें से मैं 1,000 रुपये दूंगी किसी लोग अच्छा ममता गांधी महात्मा ममता गांधी की बना रही है तो मैं अपनी पीपीटी में ये पिक्चर इस्तेमाल कर ये ममता गांधी जिंदाबाद पैसा पैसा ये एकदम बाबा जी की तरह लग रहे हैं आ रहे हैं दे क्या हो गया बाहर रात हो गई भैया बाहर रात होगी खाना बनाते बनाते ये लाए हैं भुट्टा तो मैं खा रही नहीं भुट्टे के ऊपर पानी नहीं पीते पेट दर्द होगा वेट करो है ना आप नहीं खाना आपका पेट दर्द हो जाएगा यम्मी यम्मी भुट्टा दांतों में दर्द होगी खा खा के भुट्टा हाँ दांतों में फंस गया ना वैसे है मेरे बर्तन तो हो गए थे लेकिन बीच में ये भुट्टा लेकर आ गए तो वो खाने बैठ गई सब्जी भी मेरी रेडी मैं एक हाथ से फ़ोन और एक हाथ से करूँगी मेरा हाथ चल जाएगा बच गई ये बन रही है कटहल की सब्जी नॉइस 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 हम बना रहे हैं कटहल जो कि मेरे फेवरेट हैं